हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है हम कवर करेंगे यूआई एलिमेंट्स को। इसके हमने तीन कैनवस में किस तरह हम कवर कैनवस क्या किस तरह हम लगा सकते हैं एक यूआई किसी गेम के ऊपर कैनवस के ज़रिए। तो इस वीडियो में हम तीन चार वीडियो जो आगे होगी वो सारा कैनवस के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम यूआई के यूनिटी में कैसे लगा सकते हैं उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूआई क्या गेम में करती है, क्या रोल होता है गेम का। अगर हम गेम में जाए तो एक ऐसी गेम की स्क्रीन है, उसमें यूआई में एक गेम की हेडिंग आ जाती है। जैसे ये मेरी हेडिंग आ गई, ठीक है, तो ये मेरे बटन आ गया, ठीक है, ये यहाँ मेरा कोई बटन आ गया। यहाँ मैं कोई इमेज लगा सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ कोई इमेज लगानी है तो ये कोई इमेज आ गई यहाँ, ठीक है। डिफरेंट हो सकते हैं बटन टाइप, बटन जैसे हो सकता है कोई प्ले का बटन हो सकता है, लेवल सेलेक्ट का बटन हो सकता है, रिज्यूम का बटन हो सकता है। तो इस तरह डिफरेंट हम बटन लगा सकते हैं अपनी गेम के ऊपर। और हेडिंग्स, जिस तरह हमें स्कोर की एक हेडिंग होती है, गेम की अपनी एक हेडिंग होती है, डिफरेंट हम हेडिंग ऐड कर सकते हैं गेम के अंदर। और इमेजेस लगानी हो शो करने के लिए, जैसे हमने चैप्टर्स बनाए हैं गेम के, तो डिफरेंट चैप्टर हमने शो करने हो गेम के अंदर, तो वो हम किस तरह शो कर सकते हैं। तो ये हम इसमें कवर करेंगे सारा वैसे। लेकिन सबसे पहले जो यूनिटी में हम यूआई कैसे लगा सकते हैं वो हम इसमें डिस्कशन करेंगे। और इसमें हम एक एक यूआई कंपोनेंट टेक्स्ट लगाना सीखेंगे, कैसे इस एक टेक्स्ट को हम गेम के अंदर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि यूनिटी के अंदर एक सीन होता है। सीन आपके पास एक इनफाइनाइट एक तरह का सीन स्पेस होती है, जिधर आप अपने गेम ऑब्जेक्ट्स वगैरह डाल सकते हो, ठीक है, हायरार्की में, ठीक है। लेकिन जो यूनिटी में आपके लिए जो यूआई एलिमेंट्स के बनाना होता है ना, जो ऐड करने के लिए, उसके लिए एक उन्होंने बनाया होता है कंपोनेंट कैनवास का, ठीक है। कैनवास क्या होता है, कैनवास एक सेपरेट स्पेस दी होती है यूनिटी ने, सीन के अंदर ही होता है लेकिन इसको एक सेपरेट स्पेस दी होती है सीन से, लेकिन सीन के अंदर ही होता है क्योंकि सेपरेट जगह पे, जिसके जरिए जिसके अंदर हम अपने यूआई कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। अगर हम ये सीन है तो एक कैनवास उसकी एक अलग जगह होगी, जिधर हम बटन्स वगैरह उस अपने ऐड कर सकते हैं, बटन, टेक्स्ट, इमेजेस, स्क्रॉल व्यू वगैरह हम ऐड कर सकते हैं कैनवास के अंदर। और जो कैनवास के अंदर चीज़ होती है वो हम जो वो स्क्रीन उसका उसके जो पोजीशनिंग का ताल्लुक होता है वो स्क्रीन के साथ होता है, वो स्क्रीन सीन के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो जो कैनवस होता है ना, उसमें एक चीज़ होती है, जैसे हमारे गेम ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। कैनवस ऑब्जेक्ट में होता है रेक्ट ट्रांसफॉर्म, रेक्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। रेक्ट ट्रांसफॉर्म क्या और खाली ट्रांसफॉर्म क्या है, जैसे हमें पता है ट्रांसफॉर्म में पोजिशन, रोटेशन और स्केल होती है, ठीक है। इसमें भी पोजिशन, रोटेशन और स्केल होता ही है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक एंकर होता है और एक आप कहते हैं विड्थ और हाइट, ठीक है। ये कैनवास एलिमेंट, ये यूआई एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये बेसिक कंपोनेंट है जो हर यूआई एलिमेंट को में लगा होगा, और इसी से डिफरेंशिएट होता है एक यूआई एलिमेंट, ठीक है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये जो कैनवास एलिमेंट्स हम जो भी लगाएंगे उसमें ये कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने यहाँ इसको थोड़ा फिगर बना के थोड़ा दिखाया रफ, लेकिन अब हम यूनिटी में कैसे लगा सकते हैं और उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। यूनिटी में जाए सबसे पहले, ये जैसे मेरा एक सीन है कोई, इसके अंदर एक क्यूब पता नहीं ऑफ पड़ा हुआ, इसको ऑन कर लेते हैं। ये मेरा एक क्यूब पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैंने कोई सीन लगाना है इसके अंदर, सॉरी, मैंने इसके अंदर कोई कैनवास एनिमल लगाना है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो हमारा यूआई कोई भी एनिमल लगाना होगा उसके लिए हमें कैनवास की ज़रूरत होगी। तो कैनवास बनाने का सिंपल तरीका ये है, ये राइट क्लिक किया, यहाँ यूआई में गए, यूआई के ऑप्शन है कैनवास, ठीक है। ये एक कैनवास बन गया, ठीक है। अब ये कैनवास यहाँ बना हुआ है। अब अच्छा, कैनवास तो बन गया है। अब ये देखें, ये सीन के अंदर एक अलग स्पेस है कैनवास की। जैसे ही मैं मेन कैमरे में क्लिक करूँ तो मेन कैमरा या मेरा क्यूब है ना वो कहीं और है, और कैनवास मेरा सीन से बहुत दूर है, सीन के अंदर है लेकिन उससे बहुत दूर है। एक अलग सेपरेट स्पेस दी हुई है कैनवास को यूनिटी ने, जिसके अंदर मैं यूआई वगैरह लगा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा यहाँ एक मोड होता है कैनवास स्केलर, ठीक है। कैनवास स्केलर के आगे यहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट पिक्सल साइज, आपने इसको कर देना है स्केल विद स्क्रीन साइज। ये क्यों करना है, क्योंकि कल को आपके जो कैनवास में ये बटन लगे हैं, समझे, जैसे ये वाले बटन लगे हुए हैं, कल को ये अगर बड़ी स्क्रीन में जाते हैं, अगर इन्हीं बटन्स को, इसी स्क्रीन को मैं बड़ा कर दूं, तो ये जो स्केल विद स्क्रीन साइज है ना, ये ऑटोमेटिक अपना ये जो बटन है ना,
जितनी बड़ी स्क्रीन होगी ये बटन अपने आप को उस स्क्रीन के हिसाब से अपनी हाइट और विड्थ एडजस्ट कर लेंगे। अगर नहीं करे अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये हो सकता है बड़ी स्क्रीन में ये छोटे छोटे से आ जाए, जब मैं बड़ी स्क्रीन में जाऊँगा तो ये छोटे छोटे इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कैनवस लगाया, कैनवस के अंदर स्केल उसको उसका जो यूआई स्केल मोड है उसको स्केल विद स्क्रीन साइज कर देना। इसके लिए स्केल विद स्क्रीन साइज इसलिए कर देना ताकि जब भी कोई बड़ी या कोई छोटी स्क्रीन जितनी भी स्क्रीन का साइज हो तो ये जो उसके अंदर कंपोनेंट्स यूआई कंपोनेंट्स हो गए वो ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर लें। ठीक है, अच्छा अब सबसे कैनवस एनिमल लगाने का ये सबसे यहाँ राइट क्लिक किया यूआई में गए। ठीक है, अब ये कैनवस के अलावा यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रही हैं कैनवस एलिमेंट्स की यूआई कंपोनेंट्स की। आज इसमें टेक्स्ट लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं, स्लाइडर लगा सकते हैं, पैनल लगा सकते हैं, स्क्रॉल व्यू लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होती है। अभी के लिए जो हम कवर करेंगे ना वो हम करेंगे टेक्स्ट, हम टेक्स्ट किस तरह लगा सकते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ टेक्स्ट ऐड कर देना। ठीक है, ये अब आपके कैनवस के अंदर टेक्स्ट ऐड हो गया एक। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम करूँ ना, ये स्क्रीन के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले अगर मैंने कोई भी कैनवस एलिमेंट लगाया तो मैंने बताया था उसमें क्या नई चीज़ होती है, ये रेक ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये मेरा रेक ट्रांसफॉर्म है, इसमें पोजीशन पोजीशन तो इसमें भी है, ये रोटेशन भी है, स्केल भी है, नए कंपोनेंट्स के विड्थ और हाइट है। ठीक है, अच्छा जो इसकी पोजीशन है ना एक्स वाई जी, ये सीन की पोजीशन के साथ मैच नहीं करती, ये पोजीशन कैनवस की पोजीशन के साथ मैच करेगी, ये जो आपके स्क्रीन में पोजीशन होगी उसके साथ मैच करेगी। ठीक है, अच्छा हमें ये भी पता रोटेशन क्या है, हमें ये भी पता स्केल क्या है। ठीक है, अच्छा रेक्ट ट्रांसफॉर्म हर एक में कॉमन होता है। अच्छा विड्थ और हाइट, विड्थ और हाइट होती है जो कैनवस एलिमेंट है ना, आप उसको विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो। अगर मैं इसको ये स्केल टूल से यूज़ करके रेक्ट टूल से यूज़ करके इसकी मैं विड्थ और हाइट बढ़ा भी सकता हूँ, और यहाँ मेरी विड्थ और हाइट चेंज भी हो रही है। ठीक है, अगर मैं हाइट चेंज करता हूँ तो यहाँ से हाइट चेंज हो जाएगी, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी विड्थ और हाइट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसने मैंने विड्थ और हाइट रख ली। ठीक है, अच्छा अब जो चीज़ आती है क्या है इसमें, एक और चीज़ है एंकर। एंकर क्या होते हैं? ठीक है, एंकर अब इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। जैसे यूनिटी में आप जो भी कोई भी किसी भी लैंग्वेज किसी भी टूल में ना जो डेवलपमेंट टूल होता है उसमें यूआई एलिमेंट्स लगाते हैं ना, तो जब भी आप यूआई एलिमेंट्स लगाते हैं उसको एक एंकर पॉइंट देते हैं। एंकर पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब ये बटन लगे हो तो इसका रुझान या इसका जो जोर जो इसकी पोजीशनिंग है ये किस साइड को होनी चाहिए इस बटन की। ठीक है, तो एंकर मूवमेंट इस तरह होता है, इस तरह लेफ्ट राइट, ठीक है, मिडल अप डाउन, इस तरह के टाइप है, इस तरह के इसमें कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। इससे इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर समझो ये मैंने जैसे ये बटन लगाया, ठीक है, अब ये बटन की पोजीशनिंग आप खुद देख सकते हैं कि ये ज़्यादा टॉप में है, एक तो लेफ्ट में है अपनी स्क्रीन के लेफ्ट मोस्ट में है, ठीक है, और एक टॉप मोस्ट में है ये बटन की पोजीशनिंग। इसका ये फ़ायदा होता है कि कल को अगर ये बड़ी स्क्रीन में भी जाए ना, अगर कल को मैं कोई बड़ी स्क्रीन में भी जाता हूँ तो ये बटन यहाँ ना लग जाए कहीं गलती से, और उससे भी बड़ी स्क्रीन में जाऊँ तो ये बटन कहीं बीच में ना लगा हो। तो एंकर से हम ये डिफाइन करते हैं ये बटन स्क्रीन के, अगर स्क्रीन जितनी भी बड़ी हो या जितनी भी छोटी हो तो उसके ऑटोमेटिक उस साइड में रहना चाहिए, कि अपने हिसाब से पोजीशनिंग ना चेंज करें। तो जैसे अगर ये मैंने बटन लगाया तो मैं यूनिटी को बताऊँगा ये लेफ्ट, एक तो मोस्ट लेफ्ट हो और ये टॉप हो। ठीक है, अब इसका मतलब उसे पता चल जाएगा, एक तो ये टॉप और एक ये लेफ्ट। ठीक है, तो अब यूनिटी को जब मैं ये एक बटन को एंकर दे दूंगा ना तो यूनिटी समझ जाएगा कि जो ये बटन है जब भी मैं किसी स्क्रीन में चाहूँ तो इस बटन को जब जो प्लेसिंग है ना वो स्क्रीन के लेफ्ट और टॉप में होनी चाहिए, ये ज़बरदस्ती मिडल में ना चला जाए बटन या कहीं और नीचे ना चला जाए सेंटर में। ठीक है, तो अगर मैंने समझे यहाँ बटन लगाना है, ठीक है, एक मैंने समझी यहाँ ये बटन या कोई भी टेक्स्ट हो गया, कोई भी यूआई एलिमेंट हो गया, तो ये इसका क्या होगा, एक तो लेफ्ट और एक सेंटर, ये लेफ्ट ये सेंटर हो गया और ये मिडल हो गया। ठीक है, ये मैं अभी बता रहा हूँ इसके ज़रिए, यूनिटी में इसके कुछ और नाम है। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो ये बटन किस तरह का बन जाएगा, एक तो बॉटम सबसे नीचे है बटन और राइट, ठीक है, इस तरह करके हम इनके एंकर सेट कर सकते हैं। अच्छा तो अब मैं यहाँ आता हूँ, अब जैसे ये मैंने टेक्स्ट लगाया, मैं अगर ये टेक्स्ट समझे
यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये टेक्स्ट है, अब इसका मतलब ये टेक्स्ट यहाँ लगा हुआ है पूरे कैनवस में, तो इसका क्या होना चाहिए, टॉप लेफ्ट, ठीक है, टॉप में और लेफ्ट में, ठीक है। अच्छा अब ये तो एंकर लगा दिया, इसके नीचे आप देखेंगे जो टेक्स्ट है उसके नीचे तो एक कैनवस रेक्ट ट्रांसफॉर्म तो है, उसके नीचे हमें ऑप्शन आती है टेक्स्ट की। टेक्स्ट जो टेक्स्ट कंपोनेंट है यही वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से यूआई के अंदर टेक्स्ट शो हो रहा है। तो टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर आप टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख सकता हूँ गेम की हेडिंग, गेम हेडिंग, ठीक है। इसको फॉन्ट अगर किसी के पास हो कोई तो वो फॉन्ट भी लगा सकता है, सिंपली प्रोजेक्ट विंडो में ड्रैग करें और फॉन्ट लगा लें। उसका फॉन्ट टाइप स्टाइल का करना है, फॉन्ट स्टाइल को बोल्ड करना है तो वो बोल्ड हो जाएगा। फॉन्ट साइज़ कितना करना है, ठीक है, जितना मर्जी आप फॉन्ट साइज रखना चाहें, ठीक है। लाइन स्पेसिंग मतलब कि अगर लाइन ये अगर मेरा समझे एक से ज़्यादा लाइन वाली है, ये है, ये दो मल्टीपल लाइन्स है तो मैं उनमें लाइन में स्पेसिंग देना चाहूँ तो मैं कुछ पॉइंट्स देके स्पेसिंग भी दे सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट इसकी वन होती है लाइन स्पेसिंग, ठीक है। अभी मैं इसको सिंगल लाइन ही रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से क्या होता है कि ये आपने इसको ये जो ये एरिया है विड्थ और हाइट का, उसके हिसाब से आपने इसको सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, मिडल अलाइन करना है, टॉप अलाइन करना है, बॉटम अलाइन, या आप में है, ठीक है ना, या आप सेट कर सकते हैं। अगर मैंने चलो इसको लेफ्ट अलाइन ही करूँगा और मिडल, ठीक है, ताकि ये अपनी विड्थ और हाइट के हिसाब से ऑटोमेटिक मिडल में एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ये बेस्ट फिट होता है, एक बेस्ट फिट में ये होता है कि इन केस अगर आपका कोई टेक्स्ट इतना बड़ा है कि वो विड्थ हाइट को क्रॉस कर जाए तो ये ऑटोमेटिक अपने आप को बेस्ट फिट फॉन्ट में एडजस्ट कर देगा। ये काफ़ी बड़ा लिखा गया मुझे, ठीक है। अगर आपका समझे ये टेक्स्ट था, ठीक है, इधर तक तो आपका पूरा विड्थ और हाइट कवर हो रही है, लेकिन जैसे ही अब आप थोड़ी विड्थ बढ़ाते जाएंगे तो आपका ये फॉन्ट ऑटोमेटिक छोटा होने लग जाएगा और उसी विड्थ और हाइट के अंदर टेक्स्ट आपका एडजस्ट होने लग जाएगा। तो आप ये ऑप्शन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बेस्ट फिट से बिठा देता हूँ, ठीक है। कलर, कलर में सिंपल आप कोई भी कलर इसका सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये था टेक्स्ट लगाने का तरीका। अगर मैं मल्टीपल टेक्स्ट लगाना चाहूँ तो मैं मल्टीपल टेक्स्ट भी लगा सकता हूँ। यहाँ मैंने कंट्रोल डी किया, एक और मैं टेक्स्ट यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं राइट अलाइन कर देता हूँ, ठीक है, ये मिडल ही रहे। ये मैं कहता हूँ स्कोर के नाम से मैं बना देता हूँ यहाँ टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा अब इसका देखें, अब मुझे इसका एंकर पॉइंट सेट करना पड़ेगा। अभी इसका एंकर पॉइंट टॉप लेफ्ट है तो जब ये गेम चलेगी ना तो भी बताऊँ क्या होगा, जब विंडो किसी भी आप बिल्ड करके चलाएंगे तो ये यहाँ लग जाएगा, अपनी पोजीशन से हिल जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, इसका वो सेट करना चाहिए एंकर। तो इसका एंकर क्या बनता है, एक तो बॉटम है और एक लेफ्ट राइट मोस्ट है, ठीक है। तो ये बॉटम और राइट, ठीक है, ये हो गया। एक और अगर मैं टेक्स्ट लगाना चाहूँ, ठीक है, यहाँ मैं एक और लगा देता हूँ, ये बस प्रेस स्टार्ट टू प्ले गेम, ठीक है। यहाँ मैं लगा देता हूँ एक ये, ठीक है। अच्छा अब ये भी मैंने इस पर लगाया हुआ, इसका मैं फॉन्ट चाहे थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसका मुझे एंकर क्या करना चाहिए, एक तो ये मिडल में और एक सेंटर में, ठीक है। तो मैं ये इसका एंकर लगा दूंगा मिडल और सेंटर। तो इस तरह आप टेक्स्ट लगा सकते हो और टेक्स्ट को आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब मैंने अगर स्क्रिप्ट के जरिए चेंज करना हो अपना टेक्स्ट, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट स्क्रिप्ट के जरिए चेंज हो जो इनके ऊपर लिखा हुआ है, जैसे गेम हेडिंग है तो गेम चले तो ये कोई और टेक्स्ट चेंज हो जाए, तो मैं इसको स्क्रिप्ट के जरिए चेंज कर सकता हूँ। मैंने मेन कैमरे के ऊपर एक सैम्पल स्क्रिप्ट लगाई हुई है, ठीक है। तो सैम्पल स्क्रिप्ट मैं खोलता हूँ और उसमें आपको बताता हूँ किस तरह हम लगा सकते हैं इसको उसमें, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया। अच्छा सबसे पहले आपने कोई भी कैनवस, इसका मतलब मुझे अगर मैंने कोई टेक्स्ट चेंज करना है समझे, इसी को टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ हेडिंग टेक्स्ट। इसको अगर मैंने चेंज करना है तो सबसे पहले आपको ये इसका टेक्स्ट कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो इसका ये तरीका है, सबसे पहले अगर आप जैसे कोई भी यूनिटी का कैनवस सब्जेक्ट लेना होगा ना यूआई का, तो उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी ज़रूर ऐड करनी पड़ेगी, यूनिटी इंजन डॉट यूआई, ठीक है। इसके ज़रिए आप टेक्स्ट कोई भी कंपोनेंट जैसे इमेजेस, बटन, टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ कौन सा कंपोनेंट चाहिए, मुझे टेक्स्ट कंपोनेंट चाहिए, उसको मैं कर लेता हूँ कोई भी नाम, txt नाम रख देता हूँ, और इसको मैं कर दूंगा पब्लिक, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये जो txt के अंदर है, इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट कंपोनेंट डाल सकता हूँ,
अपने स्क्रिप्ट का इसके स्क्रिप्ट के अंदर जिधर गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर स्क्रिप्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये लोड होगा जरा, आती है ऑप्शन आगे, ठीक है। अब ये देखें मेरे पास टेक्स्ट की यहाँ ऑप्शन आ गई। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, अब ये वाला टेक्स्ट है इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। अब TXT के पास मेरा हेडिंग वाला टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो अब मैं सिंपली जो जो टेक्स्ट कंपोनेंट है ना उसमें एक ऑप्शन होता है TXT, जैसे जो मेरा टेक्स्ट है डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट है, आप कोई भी टेक्स्ट हो दे सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, यहाँ कोई दे देता हूँ, जैसे फ्लैपी बर्ड गेम दे देता हूँ, फ्लैपी बर्ड करके मैंने नाम दे दी। तो अब जब ये मेरा स्क्रिप्ट स्टार्ट होगा, ये वो वाला टेक्स्ट उठा के लाएगा और उसको डॉट टेक्स्ट में फ्लैपी बर्ड स्टोर करा देगा, ठीक है। अब इसको मैं प्ले करके देखता हूँ। तो अब जब मैं प्ले करूँगा दोबारा ना बहुत हो जाए, तो अब जब मैं प्ले करूँगा इसे, तो ये इसका हेडिंग टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, जो गेम हेडिंग है अभी। जब मैंने प्ले किया तो इसका नाम फ्लैपी बर्ड उसने कर दिया। सिंपली मैंने सैम्पल स्क्रिप्ट को टेक्स्ट पास किया हुआ था और टेक्स्ट के अंदर डॉट टेक्स्ट उसकी एक प्रॉपर्टी है, फ्लैपी बर्ड उसको कर दिया। बस इसके लिए आपको UI कंपोनेंट ऐड करने की ज़रूरत है, ये लाइब्रेरी ऐड करने की ज़रूरत है जिसमें यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट UI लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल लाइब्रेरी यहाँ इसमें आ जाएगी, तो आप इसके ज़रिए अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कैनवस एलिमेंट, ये इसमें जो इस वीडियो लेक्चर में था, ये तो हमने कैनवस UI एलिमेंट्स किस तरह लगा सकते हैं, कैनवस का क्या रोल है और एंकर पॉइंट्स किस तरह यूज़फुल है इसमें गेम में लगा किसी भी UI कंपोनेंट में लगाने के लिए। और इस वीडियो में हमने टेक्स्ट को कवर किया कि टेक्स्ट किस तरह लगा सकते हैं और अगर किसी टेक्स्ट को चेंज करना हो तो हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो जो आने वाली वीडियोस होगी उसमें हम डिफरेंट UI कंपोनेंट्स में बात करेंगे, जिसमें इमेजेस हो सकता है, बटन हो सकते हैं। तो उसमें हम आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे कि हम किस तरह बटन्स को यूज़ कर सकते हैं गेम के अंदर और इमेजेस को किस तरह हम कवर कर सकते यूज़ कर सकते हैं एज अ UI एलिमेंट गेम के अंदर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।